ये काटा जा रहा है। एक और दो। सबसे छोटी और बोरी लग रही मामा। हेलो गाइस, वेलकम टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज जो है ना अपने बालों का मैंने थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज किया है। तंग आ गई थी यार एक ही हेयर स्टाइल रख रख के। ईद गुजर चुकी है और अब मुझे है कि मुझे ये मेहंदी उतारनी है। अगर आपको कोई टोटका पता है ना हाथों से मेहंदी उतारने का तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं। तो खैर इट्स अ रैंडम कैजुअल डे, नीचे चलते हैं जाकर के देखते हैं क्या हो रहा है। सो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग मम्मी। तो यहाँ पे रीप भाई और आप ही भी आए। मैं आज सुबह सवेरे इनकी तो आप लोगों की दोपहर है, मेरी सुबह है। आज मजेदार सा नाश्ता। मेरा एक रूल है जो 12 बजे से पहले बच्चा नहीं आएगा कोई नाश्ता नहीं मिलेगा। आपने ये रूल आज लाग की है। अब तो किचन खुला है ना, फिर किचन भी बंद हो जाएगा। पराठा यार। वैसे मामा आपने कभी सोचा नहीं है कि देसी घी के लिए नया डिब्बा लेके आए? पता है ना कि देसी अम्मियों को देसी चीजें ही पसंद है। देसी अम्मियों को पैसा बचाना पसंद है। No emotional discharge. ये है मेरे आज का ब्रेकफास्ट। यम 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 यम। भाई जैनब जो है ना सुबह सवेरे एक हमें शेर सुनाना चाहती है। इतना चुभने लगा हूँ लोगों को, कोई छुरा तो नहीं हूँ। वाह 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 वाह। जानी तू जितना बोलता है मेरे बारे में उतना बुरा तो नहीं हूँ। वाह 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 वाह। ये जैनब ने सही शेर जो है ना अपने ऊपर रख के बोला है। इतना बुरा तो नहीं हूँ। जो मौसम है ना वो इतना कोई हसीन हुआ। मैं चैलेंज देती हूँ, सारे पके शहतूत मैंने तोड़ लिए, इनमें से अब एक पका तुम उतार दो। कहाँ से ये तो बड़ा आपने डिफिकल्ट चैलेंज दे दिया। कह रही है ढूंढने तो भाई खुदा भी मिल जाता है। मैं अम्मा को यहाँ पे लगा हुआ पका शहतूत मिल गया। चलो आज तो हमारा रोजा नहीं है ना, अब तो हम ये खा ही सकते हैं ना। एक और दो। चलिए दो तीन तो चखाए ना। खूब मीठा है मेरी तरह। मामा ने बोला जो कुछ शतूत हमने तोड़े अंदर आप ही आई हुई है उसको भी टेस्ट करवा दो। अपने घर के शतूत आप ही को भी टेस्ट करवाते हैं। पहले मैं नहीं खाए थे। चेक करो, मुझे लगा शायद तुमने नहीं खाए। हाँ मीठे बहुत सारे ले ले। ये आखिरी माल है जो तुझे दिया हमने। किसी और के दरख्त पे तोड़ते होते। हाँ अब मामा ने अपने दरख्त पे लगाए हुए। अच्छा ये गुड हो गए। भाई इतने प्यारे मौसम में अब हम बाहर निकल ही आए हैं तो सोचा कि मामा को गाड़ी चलाना सिखा देते हैं। ये कौन सी गाड़ी है? गाड़ी गाड़ी नहीं, गाड़ी पे आजा, मेरी गाड़ी पे बैठ जा। ये मैंने ये सीखनी। पहले आप साइकिल चलाना सीख ले, फिर आपको गाड़ी पक्का चलाना सिखाऊंगी। ऐसे चलाना नहीं होता, इसके ऊपर बैठना है आपने। अब पैडल पे पाओगे। ये तो रिस्क लग रहा है मामा, अगर गिर गई ना। आगे की तरफ पुश करें मामा को पकड़ के। मामा सामने कर, मुझे लगा मम्मा सांप। मामा ने जो है सीखने से इनकार कर दिया। मामा कह रही है इसके पापा कर दो, ये नहीं हमने सीखनी। छोड़े साइकिल को, आपको डायरेक्ट गाड़ी सिखाऊंगा। जैनब को देखे कैसे छुरला है ये। वो गई वो गई वो गई। समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा। मेरे यारो अपना हर दिन ऐसे दियो जैसे कि आखिरी हो। गधा गाड़ी आ रही है दूर से। ले ओवर लड़के व्हीलिंग नहीं करते। ओ गई ओ गई ओ गई। देखो गिरी नहीं मैं, ऑलरेडी तो गिरी हुई है। गिरे हुए लोग गिरते नहीं है। कैसा लग रहा है ईद का पूरा हफ्ता छुट्टियां गुजारने के बाद अब यूनिवर्सिटी जाना? सुबह उठ के इतना मुश्किल हुई मुझे, मेरी आंखें यूनिवर्सिटी में से क्लास हुई से सो रही थी। रात में 6 बजे सोई और सुबह में 7 बजे उठ गई। तुम्हारे तो यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स भी तो चल रहे हैं ना? कल भी है, परसों पूरे वीक। तुम्हारी मेहंदी उतर गई है, दिखाओ जरा। मैं सबकी मेहंदियां देख रही हूं। मैंने लोगों से पूछा कि कोई हमें तरीका बताओ कि उतार सके हम। क्यों उतारनी है? मैं तो अच्छी मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद छोटे छोटे निशान रह जाते हैं ना मेहंदी के, ये मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अच्छा सारे मजे ले लो, उसके दुख ना लाओ। तो फिर ये भी अच्छी लगती है। मामा और जैनब जो है ना आज जिम जाने की तैयारियों में है। कुछ ना खा मेरी मम्मी को। जिम शिम जाना है, ये इन्होंने रिकॉर्ड करना है। पहले तो मेरी माँ कॉफी पी के पतली होती थी जिम जाके। एक महीने बाद हमें मामा, क्या पता एक महीने बाद आप लोग दिखो ही ना इतने पतले हो जाओ। मुझे ना पैक्स बना, सिक्स पैक्स। ना हमने थोड़ा सा वो एक्टिव। 25,000 रुपया जिम की जैनब की फीस है और 25,000 मामा की जिम की फीस है। मैं तो यही बोलूंगा पैसे जाया करने जा रही हूँ। यूनिवर्सिटी से आके राबिया का यहाँ पे खाना पीना चल रहा है। मैं तुम्हें जैनब की एक शिकायत लगाना चाहती हूँ। तुम्हें जो तुम्हारी बर्थडे पे ब्रांड न्यू जूते आए थे ना वो पहन के जा रही है आज। उतारो इसको, चल आज के दिन पहनने दे कोई बात। आपको तो पता है ये बहन भाइयों में जूते कपड़े बैग को लेके कितनी लड़ाइयाँ चलती हैं। हमारे घर भी यही सब होता है। अब रोटी छोटी खाते हैं, देखते हैं कि मामा ने किचन में क्या बनाया। ये कोई चिकन है और उसके साथ शिमला मिर्च है और साथ में बन रही है ये सूखी रोटियाँ। चलो आप लोग भी कमेंट से मुझे बताओ कि आप लोगों के घर आज क्या पका है। ये मैंने खाना छाना यहाँ पे सजा लिया है और जैनब आके मेरे साथ लगी हुई है खाना खाने। आज तो मम्मा ने बड़े अच्छे खाने बनाए। आज तो चिकन ही खाएगा सारे। जलफ्रेज
कुछ ऐसी है। एंजेलिना जॉली ये वही है यार। कुछ दिन पहले हमारा एक गाना आया था सालसा, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना तो मैंने जो है कमेंट्स में जो है लिंक पिन कर दिया, जाके जरूर सुन लेना। और मैंने अपनी बहनों को भी यहाँ पे बिठा दिया है, जरा रिएक्शन ले इनका, क्योंकि राबे और ज़ैनब हमारे साथ दुबई नहीं गए थे गाना शूट करवाने, तो हम लोगों ने इतना मिस किया था तुम लोगों। आप भी जरा इनका रिव्यू लेते हैं। जे किसी ने मैंने ट्रोल किया, मैं ला चित्र लेना तो तोड़ थोड़ी टेंड देनी। सिर्फ क्या उसने एक्टिंग की है? हाँ, उसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगी है मुझे। पता नहीं मैं एक्टिंग अच्छी करके आई थी, लगी नहीं यार अंदर। फातिमा लग रही थी छोटी सी 5 साल की बच्ची ऐसे गाने में खड़ा कर। मेरा वो ब्लॉगिंग स्टाइल लग रहा था अपनी तरह से, तो चला फिर चलो क्या कोई नहीं अच्छा लग रहा है कर दे नू मो गया तेरा पुराना बिल्कुल यस मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा था और मैं साथ उसको कर रही हूँ गाना चला भी तेरा मजाक उड़ाना और बाकी क्या फ्रॉक्स लग रही है यार। हाँ ओए बाल बाल अभी आप मेरी एक स्माइल आएगी। हाय 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 आइसक्रीम वाला शॉट इसको दे दे, बोबाटी वाला मिल रहा है यार, मुफ्त में मिल रही थी हमें। क्यों आपको सीधी बात बताती हूँ, मैंने बस ऐसे उठे वेख के घूमन दे फ्री चीजा खा रही हैं, मजे कर रही हैं और गाने से कट एक्टिंग कर रही हैं। पहले शूट हो रहा होता था के अब फातिमा की टेक है, फातिमा गाड़ी में ना रोल्स रॉयस में बैठ के अपना व्लॉग बना रही है। मजे उठा रही थी मैं। अभी तुम लोगों ने एक और गाना भी आना है, ये भी एक सरप्राइज है गाइस, हमारा एक और अभी गाना आना है, मतलब एक और अभी मेरी खर्चा नहीं है। शुगल वुगल लगा रहे थे, क्या हो गया? अपने आप कभी कभी मजाक उड़ा रहे थे, अच्छा लगता है यार। इससे पहले कोई बात आपको ट्रोल करे, अपने आप को ही ट्रोल कर लो। इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आपके दूसरों को ट्रोल नहीं करना पड़े। नाम लगे तेरा है गेवड़ा, चलो हमारा कंटेंट लेके अपना कंटेंट बनाते हैं। एग्जैक्टली चल कोई नहीं, तेरा किचन भी चल जाता तो चल कोई नहीं। चीट कर रहा था मैं गाने में। अच्छा बोहे मियां पे तालियां और बहनों पे जुतियां, तेरा वायरल होता हर प्रेस, तेरा वायरल होता हर ब्लॉग। मैं इस येलो ड्रेस में बहुत ही डर लग रहा था यार। फिर आप भी ऐसे आके करिए, आप भी ऐसे आके फातिमा ऐसे कर फातिमा भी हाँ मैंने भी खाया था बोबा पी लूँ जरा एक मिनट। हाँ ये भी सुना था फातिमा टाइट्स बदल लो तेरी बात भी भैया तेरा सबसे छोटी और बोनी लग रही हूँ अंदर। मैं कह रही हूँ हील्स ही पहन लेती हूँ यार, नहीं पता चला ना सबसे बोनी लग रही हूँ। ट्रोल कर दिया इस गाने पे, चलो खैर कोई नहीं यार, यार इनकी बातों को दिल पे लेने लगे तो फिर हमें हार्ट अटैक ही आ जाएगा। लेकिन बेस्ट विशेस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। तुम अभी गाना दिखाई थी ना नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा है हमारा गाना, नंबर 2 पे ट्रेंडिंग म्यूजिक, मतलब यहाँ से गाना टक हुआ नहीं कि वहाँ पे आप लोगों ने ट्रेंडिंग पे चढ़ा दिया। ऐसे ही जो है आपने प्यार करते रहना, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, लव यू यार। किसी के व्लॉग में तू क्या करती, मेरी चूचे आ जाती पूरे सोशल मीडिया। अलमारियों में यहाँ पे पड़े हुए फोन, इस मौसम में लिटरली मेरा जीना हराम कर दिया इन मच्छरों ने यार। मैं आपको अपनी टांग दिखाती हूँ, कुत्ते की तरह इन मच्छरों ने मेरी रात को टांग खाई है ना, मच्छर जो है पूरी रात को बैठ के मेरी टांग नोच गए हैं यार। मच्छरों ने मेरा जीना हराम कर दिया है और ये मेरी 3 बहनें मच्छरों से लड़ाई कर रहे हैं। मच्छर से हम बदला लेंगे, लगाओ यार हर जगह लगाओ, आज मैं मच्छरों को नहीं छोड़ूंगा। मच्छर का खात्मा सबसे पहले जाने पे छिड़को, मेरे ऊपर अपने घर के दरवाजे शाम के टाइम बंद रखो। मच्छर का खात्मा, ना छिड़कना ना छिड़कना, तुम लोगों ने रात को मरी होना। छोटे बालों का खात्मा, मोटी चीजों पे स्प्रे करो हमेशा ना, मच्छर नुकरों में होता है जैसे इधर काट रहे, काट काट के सारा खून पी गया मेरा, अभी काटा उसने। चेक करो अल्लाह सबको, एक में मेरी बात सुनो, इसकी स्मेल बहुत गंदी है राबिया, अभी ना करो सोने तो पहले कपड़े सूट के बाद दुआएं दे रहे होंगे तुम्हें। मच्छर और राबिया ने काफी ज्यादा स्प्रे कर दिया मच्छरों का, ये हमारे घर का एक मच्छर गिर गया है। ये मच्छर को तो काफी डांस लग गए हैं, और ये वाला मच्छर, ये चूचा मच्छर आ गया और ये भी गया के मच्छर। अच्छा राबिया को सारी टेक्निक पता है मच्छर के मरने की, राबिया पिछले जन्म में मच्छर थी। मच्छर हूँ मैं,
ही मेरा नाम साथी है मेरे और घर पूरा था। मच्छर नहीं थी इस जना, मच्छर की बहन हूँ। दफा लो घर में अब काफी ज्यादा स्प्रे कर दी है और अब हम लोग दरवाजे शरवाजे भी बंद रखेंगे ताकि इस बार मच्छर जो है ना मुझे काट ना पाए। ये काटा जा रहा है, ये देखो मच्छर ने काटा है मुझे। पागल हो मेरी बाजू पे स्प्रे किया आप, देखो मतलब कुछ भी यार, मतलब कुछ भी। सो गाइस होप सो यू लाइक द व्लॉग, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।